karo rupara natana das mora jiva divana raghunath das mora jiva divana ekare karuna kara lalita vishakha ekare karuna kara lalita vishakha सख्य भाव श्री दाम सु बलयादि सखा सख्य भाव श्री दाम सु बलयादि सखा सबे मिल करो दया पुरुष मोर आश सबे मिल करो दया पुरुष मोर आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास प्रार्थना करे सदा प्रार्थना करे सदा ए अधम दास प्रार्थना करे सदा जय सपाशदा जय गौर हरि सपाशदा जय गौर हरि जय सपाशदा जय गौर हरि सपाशदा जय गौर हरि गौर हे निताय हे गौर हे निताय हे गौर हे Yeah.
राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मैते गोकुल तारुणी मंडल मैते राधे जय जय माधव दैते राधे दामोदर राती परधान बेते दामोदर राती परधान बेते हरिनिश कूट वृंदा विपिने से हरिनिश कूट वृंदा विपिने से राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते विश्वभानुदाजी नव शशि लेखे विश्वभानुदाजी नव शशि लेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे ललित सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय करुणां कुरुमयी करुणा भरीते करुणा कुरुमयी करुणा भरीते कनक सनातन वराणित चरिते कनक सनातन वराणित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु Thank you.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jai Shri Gurudev. Jai. एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक इच्छाओं को उन्होंने पूर्ण किया है, इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर ये कीर्तन के द्वारा कहते हैं महाप्रभु कौन सा भक्तों के द्वारा उन्होंने क्या क्या दिया, क्योंकि अकेले उन्होंने लुटाने के लिए कोशिश की, लेकिन कितने लोग तो कितने लोग हैं, अकेला कितना लुटा है, इसलिए खुद तो लुटाया और उन्होंने अलग अलग भक्तों को दे करके उन्होंने लुटवाया, इसलिए महाप्रभु ने एक एक भक्तों को द्वारा उन्होंने जगत में एक एक वस्तु दी। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे
उपाधि दे करके नाम कैसे करने चाहिए है? इसको शुद्ध नाम किसको कहते हैं, नामाभास किसको कहते हैं, किसको नाम अपराध किसको कहते हैं, और नाम कैसे करनी चाहिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को देकर के उन्होंने ये चीज सिखवाया है। अभी हम लोग सुनते सुनते सुन रहे थे गौर रस नदी कादम्बी निहोए आसाई लगौर देश प्रेम वृष्टि दिए। और हम लोग सुनते सुनते थी बोले चौसठी महांत आइल मेघे शोभा करी रूप सनातन ताए आइला बिजूरी। उदाहरण देते हैं उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की तरह उन्होंने किया कि उदाहरण दिया जैसे आकाश में मेघ है वो तो सुंदर है ही है लेकिन उसमें जो बिजली चमकती है ना जैसे कृष्णा सुंदर तो है ही है लेकिन उनको शरीर में जो पीताम्बर है जो पीताम्बर पहनते कृष्ण और सुंदर लगते हैं उसी तरह मेघ तो काली काली जो मेघ छटा है वो तो है अच्छे है लेकिन उसमें जो बिजली चमकती है फिर उसमें और सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पर बिजली चमकने का काम कौन कौन को करवाए बोले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बिजली का काम किया। बोले कैसे बिजली का काम किया कहते श्री सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम श्री बृहद भागवतामृतम। जिस बृहद भागवतामृतम ग्रंथ में उन्होंने दो कथा उन्होंने एक कथा तो उन्होंने सुनाई गुरु जी से हम लोगों ने जो मंत्र को प्राप्त किया है वो मंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं वो मंत्र साक्षात भगवान है। जैसे हमारे संप्रदाय में जो कृष्णा है गोविंदा है गोपीचंद वल्लभ है जो नाम है वो साक्षात गोविंद देव गोपीनाथ और मदन मोहन संबंध अविध और प्रयोजन कर इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जब हम इसी मंत्र को ठीक ठीक से जप करेंगे ये मंत्र स्वयं साधारण रूप से हम एक अर्थ जानते हैं लेकिन उसके अंदर में असली अंदर में क्या चीज है वो धीरे धीरे जितने मंत्र जप करेंगे ना ठीक ठीक रूप में वो धीरे 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 मंत्र ही स्वयं भगवत स्वरूप में धीरे धीरे करते हैं साक्षात भगवत स्वरूप में और साक्षात रूप में वो दर्शन देता है। कृष्ण बोलते कृष्ण प्रकट हो जाएंगे गोविंद बोलते हैं गोविंद प्रकट हो जाएगी गोपी जन वल्लभ बोलते हैं गोपी जन वल्लभ प्रकट हो जाएगी। उसमें संबंध अभिध और उसमें प्रयोजन तीनों का नाम उसमें है तीनों का संबंध अभिध और प्रयोजन है। इसलिए नियम है मंत्र जप करते समय अच्छे तरह से बैठ कर गए ऐसे नहीं बैठ गए और मंत्र जप करने लगे नहीं नियम है पहले आसन में बैठो पहले आचमन करो है आचमन करके फिर तिलक का स्थापन करो और हो सके तो मंत्र जप करने से पहले जैसे हम इधर उधर घूम घाम कर गए झट बैठे और मंत्र जप करना शुरू कर देते फिर क्या होगा हम जो जो चीज घूमते घूमते आए जो जो चीज दिमाग में है क्या होगा मंत्र जप करते समय फिर वही वही चीज हमारी याद आ रही है। इसलिए नियम है मंत्र जप जप करो पहले हो सकते तो जय ध्वनि हमारे गुरु वर्गों का जय ध्वनि परिचित पर क्या होता है वैष्णव का नाम स्मरण होने लग जाता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि जैसे तुम्हारे ऊपर कोई डाकू लोग अटैक करोगे फिर क्या करोगे आप चीखोगे पुलिस 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 चीखोगे ना फिर पुलिस आकर आप क्या करेंगे। तो उसी तरह हमारे पास में भी बड़े बड़े डाकू हैं काम है क्रोध है लोभ है मोह है मातर जो एक एक डाकू है ये हमारी संपत्ति को सारी छीन लेते हैं लेकिन उसी समय हमें रक्षा कौन कर सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जब हम वैष्णव लोग ही पुलिस जब इनको हम स्मरण करेंगे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमारे गुरु वर्ग ये साक्षात रूप में इनका नाम लेते ही हाँ अब हृदय में कोई उल्टा सीधा चीज आए आप उस समय गुरु वर्ग को स्मरण कर लेंगे महाप्रभु परिवार को स्मरण कर लेंगे इतना मन एकदम शांत हो जाता है एकदम मन शांत हो जाए क्योंकि उनका नाम और वो एक है नित्य है वैष्णव लोग नित्य है जिनको स्मरण करोगे स्मरण करते ही वो स्वयं साक्षात रूप में प्रकट होते इसलिए इसलिए नियम है आनी करने से पहले जय ध्वनि दे दो
बाद में आनी तो जरूरी भगवान का समय बढ़िया सुंदर मन फिर इधर उधर नहीं जाएगा। और नियम है मंत्रार्थ चिंतन, मतलब मंत्र करते समय कम से कम मंत्र का जो थोड़ी थोड़ी अर्थ है उसमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। पता नहीं कभी कभी क्या होता ना, मंत्र जब कर रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं हमें पता ही, हम बोल रहे हैं क्या, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी मंत्र का अर्थ पता चले तो पता चलेगा हम क्या मंत्र जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें पता चलता है, फिर उस चीज को स्मरण होता है। इसलिए इसमें सनातन गोस्वामी ये मंत्र है क्या चीज, उन्होंने इसी विषय पर उन्होंने गोप कुमार का माध्यम करके उन्होंने दिखाया। गोप कुमार जब कामाख्या से कैसे मंत्र प्राप्त किया और कैसे उन्होंने मंत्र जप करना शुरू किया, लेकिन वो मंत्र के प्रभाव से जो जो इच्छा करते थे मंत्र उनको वहीं वहीं ले जाता था। राजा बनने की इच्छा मंत्र राजा बना देता है, स्वर्ग में जाने की इच्छा स्वर्ग ले जाता है, हैं? इसलिए जहाँ जो इच्छा करते थे मंत्र हमें उनको वहीं दे देता था। और वो मंत्र धीरे 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 उसको लेते 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 उसको वैकुंठ ले गया, तब उनको तृप्त दिन हो गया। क्यों? जो मंत्र में जो मीनिंग है वो गोपी जन वल्लभ है, सुना है कृष्णा है गोविंदा है, मतलब भगवान कृष्ण का ये नाम है। कृष्ण और नाम में कोई फर्क नहीं, मंत्र सख्यात उसमें गोपी जन वल्लभ है, कृष्ण गोविंद है, हमारे जीव के हृदय में एक रस स्थित है, हमारे हृदय में कोई एक रस है, शांत हो नित्यास्य हो सख्य हो वात्सल्य हो मधुर हो, एक रस हमारे अंदर में, हमारे अंदर में जो रस है ना वो धीरे 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 मंत्र में सब कुछ है, वो मंत्र तुम्हें लेकर के वही पहुंचा देता है। लेकिन इनके हृदय में जो रस था कृष्ण का सख्य रस था, कृष्ण का सखा है, इसलिए वो मंत्र जप करते समय वैकुंठ तो गए लेकिन अच्छा नहीं लगा, अयोध्या गए अच्छा ही नहीं लगा, मथुरा गए अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन वो मंत्र लेकर के वृंदावन में उनको पहुंच जाएगा। जब कृष्ण को साथ में मिले गले में मिले फिर तो उनका हृदय, क्योंकि इनका स्वरूप में था कृष्ण का सखा, कृष्ण का सखा का भाव, फिर जब उनको साथ में मिले फिर हृदय उनको तृप्त हो गया। उन्होंने एक कथा में ये भी दिखाया, दूसरी कथा में दिखाया उनको पांच तरह का भक्त है, क्या क्या है, दास ज्ञानी दास दिखाया, और उनने एक भक्त से दूसरे भक्त श्रेष्ठ क्यों, दूसरे से तीसरे श्रेष्ठ क्यों, तीसरे से चौथे श्रेष्ठ क्यों, ये सब चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया। हम सोचते हैं अरे भक्त तो भक्त ही है, भक्त तो भक्त ही, लेकिन भक्त को अंदर में भी उसमें काटागढ़ी है उसके अंदर में, और श्रेष्ठ भक्त को नहीं, मैंने ये चीज को उन्हें दिखाया, और लास्ट में प्रेमाधुर भक्त दिखाया उद्धव जी है, लेकिन उद्धव भी है नारद जब उद्धव जी उसको पास में गए बोले उद्धव आप तो भगवान का सबसे बड़े कृपा पात्र है, क्योंकि आपसे ऊपर भी भक्त है, कृष्ण खुद कहते हैं उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो मेरे पुत्र ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, हरिहर एकात्मा शंकर भी प्रिय नहीं, और हमारी बीबी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, पत्नी की बात छोड़ दो मेरे भैया बलदेव प्रभु इतना प्रिय नहीं, उसकी बात छोड़ दो मैं भी मेरा इतना प्रिय तू जितने उद्धव बड़े प्रिय भगवान। जब उद्धव जी को पास में गए उद्धव जी बोले मैं भी ऐसे सोचता था मेरे जैसे भक्त ले जाते भाई है नहीं कृष्ण का सबसे मैं प्यारे भक्त है, लेकिन जब मैंने ब्रज में गया और मैंने गोपियों को प्रेम को मैंने दिखाया ना ब्रजवासियों को नंद बाबा की और सखाओं का वहाँ के लता पता हिरण और जो गोपी राधा जी की प्रेम को देखा बोले उद्धव शुद्ध रह गयो सुनी गोपियों की बोल ज्ञान बजाय दुख की बाजे उद्धव भी ब्रज गोपियों के चरण की वंदना की राधा रानी की चरण की एक धूल को वंदना की। इसलिए कहते सनातन गोस्वामी एक अद्भुत चीज हमें दिया, अद्भुत चीज बोलते बोलते जो गोस्वामी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं सर्वप्रथम ग्रंथ ही रथमागम गुरुदेव बोलते थे उसको बाद में दूसरे दूसरे गोस्वामी ने जो जो ग्रंथ
आधार करके उन्होंने और सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की है। इसलिए ये बृहद भागवत उन्होंने अक्सर करके उनके किसी ग्रंथ को उन्होंने पाठ किया है, क्योंकि उसमें भक्त का तारतम्य उसमें पता चलता है। इसलिए गुरुदेव ग्रंथ पढ़े और केवल इतना नहीं, मथुरा में अगर बाहर के बाहर गए ना तो कथा की अक्सर करके उन्होंने ये बृहद भागवत इसलिए कहते श्री रूप सनातन कहते रूप गोस्वामी है सनातन गोस्वामी जी का काम किया है। इसलिए कहते रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नदी दो सेनापति भक्ति जगत में दो सेनापति होते ना आगे भी चलने वाले नदी कौन है भक्ति में आगे चलने वाले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के लिए बताया श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्वयं रूप इसलिए इनका नाम क्या है रूप। इनका नाम क्या रूप। नाम किसने दिया है महाप्रभु ने रूप क्यों दिया है इनका नाम रूप क्यों दिया भले रूप इसलिए दिया कि ये सबका रूप से जीव गोस्वामी के श्लोक लिखते हैं जो रूप गोस्वामी सबका रूप है महाप्रभु का भी रूप है कृष्ण का भी रूप है राधा जी का भी रूप है स्वर्ग दामोदर का रूप है राय रामानंद का रूप ललिता का रूप विशाखा ये सबका जो रूप है ना ये रूप है ये सबका रूप ये रूप गोस्वामी इसलिए इनका नाम रूप है। रूप होने पर क्या होता है सभी की हृदय की जो भावना है ना सभी के हृदय प्रकट होता है। हाँ इसलिए बताया महाप्रभु का जो मनोभीष्ट उनका जो इच्छा है इसलिए बोले जब कलि रूप शरीर न धारत तब ब्रज प्रेम महाविधिक कौन उधारत मतलब अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं होते तो ब्रज प्रेम को फिर मतलब एक ही भंडारा में बंद रहा यहाँ उसमें पूरा बंद था। तब इन्होंने आग्रह किया कि आप इन्होंने आकर के दरवाजा गुरुदेव बोलते थे जैसे पिताजी की बहुत बड़ा कुछ बिजनेस है बहुत बढ़िया अच्छा बिजनेस है अरब खरब का बिजनेस है लेकिन जो उसका जो मेन जिसमें पैसा रहता है ना वो चाबी काठी किस बच्चे को देगा चार पांच बच्चे हैं कौन सा बच्चे को चाबी काठी देगा कोई देगा कौन आ रहा बच्चा जिसको चाबी काठी देने से बच्चा बर्बाद नशा करके जुआ करके उड़ाएगा नहीं जो बिजनेस है उसको दिन में दो गुना रात में चौगुना जो बढ़ाएगा उसी बेटे को ही वो चाबी काटी देगा सबको चाबी काट नहीं देगा। इसलिए गुरुदेव ने बोलते थे महाप्रभु प्रेम जो भंडारा था उसका चाबी काटी किसको पकड़वाया रूप गोस्वामी को इनको बोले कहाँ चाबी काटी दिया बोले प्रयाग में जिसको कहते रूप शिक्षा जिसको कहते हैं महाप्रभु ने चाबी काटी श्री रूप गोस्वामी को दिया उनके हृदय में सब कुछ उन्होंने स्फुरण कराया इनका हृदय में। इसलिए जब महाप्रभु रथ यात्रा का समय पर एक श्लोक बोलते थे जो साधारण काव्य का श्लोक है एक लड़का लड़की में कैसे प्रेम हो गई हाँ कैसे अकेले कैसे छुप करके मिलते थे ये एक प्रेम का श्लोक उन्होंने बोलते थे लेकिन सब लोग सुनते थे महाप्रभु जो साधारण एक लड़का लड़की का प्रेम के श्लोक क्यों बोल रहे इसको समझ में नहीं आता था लेकिन रूप गोस्वामी ने उनके हृदय की भावना को जान करके एक ताल पत्ते के ऊपर में उनका जो हैंडराइटिंग था ना जैसे सोने की बोलते हैं सोने के जैसे अक्षर है बड़ा सुंदर हैंडराइटिंग उनका था बड़ा सुंदर हैंडराइटिंग तो उन्होंने ताल पत्ते में लिख करके जो ये होता ना क्या बोलते हैं घूस का जो झोपड़ी होता है वही पर उन्हें लगा दिया था। महाप्रभु रोज जाते थे उन्होंने देखा बड़ा सुंदर कोई श्लोक लिखा हुआ उन्हें उतार करके उन्होंने जो देखा इतने महाप्रभु खुश हो गए इतने प्रसन्न हो गए अरे ये मेरे हृदय की बात कैसे समझा वो साधारण मंडन श्लोक था लेकिन उन्होंने राधा कृष्ण को ऊपर में प्रेम का श्लोक उन्होंने लिखे हैं प्रेम का श्लोक उन्होंने लिखे इसलिए तुमको
वही कृष्णा हो, हम वही राधा है। लेकिन जब हम वृंदावन में जमुना जहाँ कलकलनाद से बह रही है, कोयल जहाँ पर कूद रही है, जहाँ पर मयूर पेका कर रहे हैं, हाँ सुंदर, जब हम एकांत में जमुना किनारे में जब मिलते थे जो आनंद आता था, लेकिन यहाँ पर मिल रहे जहाँ पर हाथी घोड़ा और सन्या समझ वो आनंद नहीं आ रहे। अगर हमें आनंद देना चाहते हो आप वृंदावन में हमारे हृदय रूपी रथ में बैठो और हमारे साथ तो वृंदावन चलो। जब वृंदावन में चलेंगे, जब जमुना किनारा में कुंज में मिलेंगे तब मुझे आनंद मिलेगा। अगर मुझे आनंद देना चाहते हो हृदय रूपी रथ में बैठो और चलो वृंदावन ले चलो। महाप्रभु तुमने खुश तुमने खुश हो गए, हाँ बोले स्वरूप दामोदर स्वरूप, ये मेरे हृदय की भाव कैसे समझा? बोले जरूर आपने इनको पर कृपा की, हाँ इनको पर कृपा की, इसलिए कहते महाप्रभु की जो भावना है ना इनके हृदय में अपनी आप स्पन्न होता था। और उन्होंने जब उन्होंने मंगलाचरण श्लोक को देखा, ललित माधव विदंत नाटक लिखे, हाँ उसका जो मंगलाचरण श्लोक को देखा कितने खुश हो गए, क्या तुमने श्लोक लिखा है जो हरिनाम की महिमा का श्लोक पढ़े, क्या था तुंडे तांडव तुंडे तांडवी वितुंडे तुंडा विलगते कर्ण कड़ो कड़विली घटयते रूधा देव सुधा सर्वे चेत प्रांगण रघुपति सचयते सर्वेन्द्रिया नाम कृति नो जान जनिता के अद्भुत कृष्णति नंबर कृष्ण। ये जो दो अक्षर है पता नहीं इसमें कितने रस है कृष्ण की, ये दो अक्षर के अंदर में जब जीवा पर उदय होता है शंकर जैसे तांडव नृत्य करते हैं ना, जीवा इसे थ्रिकने लग जाती है, लगता है ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने सुंदर कृष्ण नाम लेने के लिए एक ही जीवा नहीं। जब कान में प्रवेश करता है तो लगता है ये करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया, जब हृदय में प्रवेश करता है कहते हैं हृदय में ऐसे रस की धारा बहती है, लगता है सारे इंद्रियों को स्तब्ध बंद करके कोई दिव्य अप्राकृत आनंद की अनुभूति हृदय में आता है। इसलिए जिसको सुन करके हरिदास ठाकुर तो नाचने लगते हैं, बोले हमने नाम की महिमा तो बहुत सुने लेकिन ऐसे नाम की महिमा हमने कभी सुनी। इसलिए रूप गोस्वामी गुरुदेव कहते थे, रूप गोस्वामी कहते उन्होंने दो दरवाजा था, जो दो दरवाजा खोले वे दो दरवाजा किया है, कहते एक है भक्ति रसामृत सिंधु धरती, भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रस की अमृत रूपी समुद्र को जिन्होंने ग्रंथ में रचना किया है, हैं और एक ग्रंथ लिखा जो उज्ज्वल निर्मल कर, ये दो ग्रंथ उनके तो बहुत सारे ग्रंथ ग्रंथ है ग्रंथ है लेकिन गुरुदेव कहते ये दो ग्रंथ उससे से ग्रंथ है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में अद्भुत रूप में भक्ति का जो डेफिनेशन उन्होंने दिया है ना, शांत रस किसको कहते हैं, सख्य रस किसको कहते हैं, वात्सल्य किसको कहते हैं, मधुर किसको कहते हैं, रस कैसे होता है, हम कहते भाव भाव भाव, उसका तो भाव प्रकट हो गया लेकिन भाव का डेफिनेशन किया, भाव आएगा हृदय में तो उसके अंदर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे, बोले भाव भाव थोड़ा आंखों से आंसू आ गए हमें तो उसको भाव हो गया, हाँ इसमें तो भाव आ गया लेकिन कहते इसको भाव नहीं कहते, भाव में ना लक्षण दिखाई दे क्या क्या है, रोमांचकम आस रोमांच इसने बताए शांति अव्यर्थ काल विरक्ति मान शून्यता आशा बंद समुत्कंठा नाम गान रुचि आसक्ति तद्गुणा ख्याने प्रति तत्व सस्त, हाँ कभी ये नौ लक्षण जब दिखेगा फिर उसको भाव कहेगी, हाँ थोड़े समय के लिए आंसू आ गया उसके बाद देखा फिर विषय में मस्त हो गया फिर भगवान को थोड़ी बात में क्रोध आ गया लोभ आ गया नहीं, तो ये भाव आएगा ना ये नौ गुण उस तंत्र में जरूर दिखेगा। शांति मतलब है जीवन में जितने दुख कष्ट क्यों नहीं आ जाए लेकिन भगवान का भजन जरूर सुनो किसी स्थिति में भी, लेकिन हम लोग क्या होता है सुख में थोड़ा भगवान भजन कोई दुख आ जाए ना सब भगवान भगवान भूल जाता है, दिमाग में वही दुख 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 ही दिमाग में वही केवल स्मरण होता है भगवान का भजन वही याद करता है, देखना संसार में बड़ा दुख आ जाए क्या होगा भगवान स्मरण आएंगे, पूरा जो दुख आया ना केवल दिमाग में वही दुख 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 केवल स्मरण होता है, लेकिन जब भाव का अंकुर जब
कभी जीवन में जितने दुख आ जाए, जैसे से युधिष्ठिर महाराज जीवन में, युधिष्ठिर मतलब क्या, युद्ध में भी स्थिर बुद्धि है, बुरा बुद्धि कभी अस्थिर नहीं होता है, एकदम स्थिर बुद्धि रहता है, है? इसलिए जिसका बुद्धि हर समय 24 घंटा में 24 घंटा भगवत स्मरण में उसका दिमाग रहे, है? और अव्यर्थ काल तुम समय को कभी बर्बाद नहीं करोगे, इधर उधर की बात में बैठ करके इधर उधर चर्चा परचा में समय को नहीं बिताएंगे, अध्यात्रे अव्यर्थ काल तुम विरक्ति, जिसमें भगवान की कोई भक्ति कोई संबंध नहीं है उससे विरक्त रहेंगे, जिसमें भगवान संबंधित कोई विषय हो उसमें अनुराग, जिसमें भक्ति है होगा उसमें अनुराग, जिसमें भक्ति भक्ति का कोई मतलब है उससे बहुत दूर रहेंगे, विषय से दूर रहेंगे, हाँ अव्यर्थ काल तब विरक्ति मान शून्यता, उनके हृदय में कोई प्रतिष्ठा की लालसा नहीं रहेगी, उनको ये बोले हमको ये पढ़ाई करेंगे हम करें, और थोड़ी सी अगर थोड़ी सी इधर उधर कोई निंदा कर दिया घर बिगड़ जाएंगे, है अब कोई प्रशंसा कर दिया आप बोलना, उनके हृदय में कहते उनको प्रतिष्ठा में भी उनको हृदय इतने खुश नहीं हो जाता है, और दुख में भी कोई उनको ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उसको ऊपर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मान शून्यता, एक व्यक्ति मान क्यों चाहता है, इसलिए मान से क्या होता है किसी व्यक्ति को इज्जत तो खुश हो जाता है, हम ऐसे हैं हम ऐसे हैं ऐसे, लेकिन एक भक्त क्यों नहीं चाहते, कारण है मान देने पर इज्जत खुश हो जाते ना, अरे काले बहुत अच्छी है खुश ज्यादा हो रही है इसमें क्या जो खुश खुश होते कि नहीं, एक व्यक्ति को इज्जत तो खुश होते कि नहीं, बड़े खुश हो जाते हैं, हमको हमको खुश होते ना, लेकिन भगवत भक्ति जो भाव के अंकुर आता है उसमें बताया इसमें इतने आनंद है भगवत अनुभूति में, इतने आनंद भगवत अनुभूति में, वो उदाहरण देते हैं विश्व ब्रह्मांड का जितने आनंद है सारे आनंद को एकट कर लो, एकट कर लो दुनिया में जितने आनंद उसको एकट कर लो, सब क्या हृदय में जितने आनंद है, और भक्ति का आनंद एक समुद्र है अथा समुद्र है, और अथा समुद्र उसका एक बूंद के साथ में दुनिया की जितने आनंद है उसका एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते, भक्ति रस में इतने आनंद, इसलिए भक्ति रसा बिल्कुल सिंधु ने बताया भक्ति रस की समुद्र है, जब उसको भगवत अनुभूति होने लग जाती है उसी में जो उसको आनंद होता है वो आनंद ये दुनिया का आनंद कुछ भी नहीं है, दुनिया में ना किसको प्रसन्न कर तो खुश हो जाते ना, लेकिन उसको इतने आनंद में डूबा हुआ जैसे श्री महादेवपुरी ठाकुर जी इनके लिए खीर चुराया, ठाकुर जी इनके लिए खीर चुराया, जब ब्राह्मण आकर के दिया उसने क्या सोचा, हे भगवान सवेरे होते ही ये ब्राह्मण तो बोल देगा ठाकुर जी मेरे लिए खीर चुराया, फिर दुनिया में क्या होगा सारे लोग मेरे को दर्शन, अरे इतने बड़े भक्त के लिए ठाकुर जी भी खीर चुराया क्या होगा, दुनिया हमें प्रतिष्ठा देगा, दुनिया हमको दर्शन करने आएगा, लेकिन माधवेंद्र ने क्या किया, उन्होंने वहां से भाग गए, वहां पर उन्होंने रहे नहीं, वहां से उन्होंने भाग गए, बोले क्यों भाग गए, इसलिए भाग गए, अच्छा तो है उनको आएंगे उसको प्रतिष्ठा देंगे उनका नाम बढ़ाई करेंगे अच्छा है ना, पर भाग गए क्यों, कारण क्या, बोले वो जिस प्रेम में डूबे हुए है वो जिस भक्ति रस में डूबे हुए है ये जगत का जो प्रतिष्ठा है ना उसके सामने कुछ भी नहीं, एक प्रतिष्ठा हर व्यक्ति कौन प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, सारा दुनिया प्रतिष्ठा चाहता है, प्रतिष्ठा करेंगे हम खुश होंगे, लेकिन वो तो भगवत भक्ति में डूबे हुए उसका आनंद के सामने सारे आनंद फिक्की है, इसलिए यहाँ पर कहते मान शून्यता है, इनके हृदय में कोई इज्जत की मान की कोई भावना नहीं रहती, मान शून्यता आशा बंध, आशा बंध मतलब है जैसे कभी कभी हम होपलेस हो जाते हैं, अरे इतने माला किया अभी कुछ हो ही नहीं रहा, इतने मंत्र जब किया अभी तो कुछ कुछ हो ही नहीं रहा, इतना तेरे भजन कर रहे हैं और भजन करते करते हमारे तो कुछ हो ही नहीं, गुरुदेव और कोई नया मंत्र है मशीन चल नहीं रही, हमारे मथुरा में ना मथुरा में एक व्यक्ति ने गुरु से मंत्र लिया तो पता नहीं उसको कैसे बिजनेस अच्छा हो गया,
और उसको तीन चार महीने मकान हो गया और कहीं से उसको अच्छा हो सब हो गया। उसने कहा भैया ये बहुड़िया मटका के बाबा है, उनसे उन्होंने मंत्र लिया था, जब से मंत्र लिया ना तब से इसका बढ़ोतरी होते जा रही है, इसका बढ़ोतरी होते जा रहे हैं, उसको बढ़ोतरी होते जा रही है। उसको जो आस पास के लोग थे भैया चलो बहुड़िया मठ में चलो, बहुड़िया मठ चलो बाबा से मंत्र लाएंगे। उन्होंने मंत्र लिया, गुरुदेव ने हरिनाम दिया, मंत्र दिया, मंत्र जब गया इसका कुछ हुआ है नहीं। कुछ दिन बाद में गुरु जी को पास बोले गुरुदेव और कोई नया मंत्र है? और कोई नया मंत्र हो तो दो, क्योंकि सामने वाले का बात छह बजे हो गया, अभी हम एक बजे में अगले घंटे। इसलिए यहाँ पर बताया है मतलब आशा बंध, आशा बंध का मतलब होता है जब हम देखो कभी कभी इसलिए हम भोग लेते हो जाते हैं, हम सही से भजन नहीं करते। आप ठाकुर को सामने बैठ करके आप रो रो करके माला करो, हृदय से रो रो करके आंसू बहाते हुए ठाकुर के सामने बैठो, बैठ करके आप हरि नाम करो, देखोगे हमको अनुभूति क्यों नहीं हो रही। हम जैसे जब करनी चाहिए ना, हम हरि नाम वैसे नहीं कर रहे, इसलिए अनुभूति नहीं हो रही। इसलिए नियम है, श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जो ग्रंथ लिखा ना उसका नाम है हरि नाम चिंतामणि, हरि नाम चिंतामणि ग्रंथ लिखे हैं। वो ग्रंथ में कहते हैं नियम है, अगर कुछ जीवन में अनुभूति पाना चाहते हो, नियम है जो हरिनाम कुछ समय ठाकुर को सामने बैठो, बैठ करके मन को स्थिर करके हृदय से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। श्री बाबा बोलता है रोना से तो कोई आया चले गए, लेकिन उनका मन में ना दुख भी मचत रहा। गुरुदेव बोले रोना सीखो, ऑलरेडी रो रहे महाराज जी, आपने कल आया था, आपने कहा रोना सीखो, हम तो ऑलरेडी रो रहे हैं, हम सब सब के पास में आते हैं हमारे दुख दूर हो जाए सुख। तो महाराज समझे मुझे तो बच्चा जब तक तो बच्चा रोता नहीं ना तब तक मुझे दुख नहीं है, इसलिए जब रोएगा तो भैया उसे दूर नहीं आता। उसी तरह हम संसार में दुखी दुखी हैं, संसार में हम सबके सब दुखी दुखी क्यों रहे? कारण यही है सबका जड़ यही है कृष्ण की सही अतएव माया सारे देश क्यों ये माया हमें संसार में दंड दे रही है? क्योंकि हम उनको भूल बैठे हैं। फिर क्या करो, हृदय से रो रो करके प्रभु को पुकारो, हे प्रभु आपका हम नित्य सेवक है, नित्य दास है, आपको भूलने का वजह से ही संसार में दुख का प्रकार है। ठाकुर जी फिर अपना चरण की सेवा दो, हमें भक्ति दो, चरण की जब तक नहीं रहोगे ना तब तक ठाकुर जी का हृदय भी द्रवीभूत नहीं होता है। रो तो ठाकुर जी जैसे बच्चा रोने पर माँ हृदय द्रवीभूत होता है, जब आप ठाकुर जो है ना गौरा को बोली चाहे शरीर हरि नयन भवे, हरि का नाम लेने पर आंखों से नयन भवे नीर, आंखों से आंसू बहेगी। माँ भी कहते ना नयन मंगल दस धारिया बदन मंगल दस गया गया हंसने के लिए नहीं रोने के लिए। गोपियां जिंदगी भर रोएगी नहीं, राधा रानी रोएगी नहीं, सीता रोएगी नहीं, विष्णु प्रिया रोएगी नहीं, महाप्रभु का भक्त रोए कि जिंदगी भर ही रोए, लेकिन ये रोना और संसार का रोना फर्क है।
संसार का रोना में दुख है, लेकिन भगवान के प्रेम में अगर रो तो उसमें आनंद है। ऊपर में तो दिखता है जैसे रोता है, आप लोग ठाकुर का नाम लेकर भक्ति करके आंखों से आंसू आ जाए, कितने आनंद आता है। यहाँ पर तो ऊपर में रोना, लेकिन हृदय में आनंद है। ठाकुर का क्यों, ठाकुर के नाम भक्ति में हमने रोए हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं हाँ शांति विरक्ति का आशा बंध। आशा बंध का मतलब होता है क्योंकि हम होपलेस हो जाते ना कभी कभी, अरे सचमुच से क्या भगवान है, क्या भगवान मुझे मिलेंगे, होपलेस हो जाते। क्यों होपलेस होते हैं, कारण है हम भगवान को हृदय से उठाते हैं, हृदय से भगवान को उठाते हैं, हृदय से भगवान को उठा रहे ना एक आवाज आती है अंदर से, अंदर से एक आवाज आती है, वो आवाज बोलता ही नहीं भगवान का नाम का कोई जगत में चीज है कोई भगवान नाम का, हाँ तब भी अनुभूति होता, अगर नहीं रोकर हरिनाम नहीं करोगे कभी अनुभूति नहीं। इसलिए नियम है कुछ समय बैठ करके श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते कुछ समय बैठ करके हरिनाम करो, कुछ समय भी हो बैठ कर जरूर होकर ठाकुर साहब हरिनाम करो तभी अनुभूति होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर आशा बंध मतलब है वो कभी होपलेस जिंदगी में नहीं होता है, भगवान है कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इतना दिन हो गया कुछ हुआ है नहीं, कभी वो व्यक्ति कभी होपलेस नहीं होता, उनका मन में रहता है जरूर हमें ठाकुर जी मिलेंगे ही। इसलिए आशा बंध और समुत्कंठा उसके हृदय में हर समय उसका हृदय में उत्कंठा बनी रहती है, ठाकुर जी कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे, प्लस सम्मुख कंठा और नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम गान में हर समय उनकी रुचि बनी रहती है, कभी अरुचि उसमें नहीं होती है। ठाकुर माला बहुत हो गया कितना करेंगे तब से, इसमें कितना भक्ति करेंगे, इतना हरिनाम कर लिया, कीर्तन कर लिया, दिन भर करते रहेंगे, कोई काम धाम नहीं है, दिन भर यही करते रहेंगे, दिन भर यही करते रहेंगे। इसलिए कहते समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की कथा सुनने के लिए उसकी बड़ी आसक्ति रहेगी, बड़ी आसक्ति रहेगी। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे एक व्यक्ति नशा करने पर अगर उसका टाइम पर को ये नहीं मिले ना शराब अगर टाइम पर नहीं मिलता फिर क्या होता है, वो बेचैन से हो जाता है, जब तक वो पिएगा नहीं उसको चैन नहीं पड़ेगा। जो गंजा पीते हैं, जो शराब पीते हैं, वो शराब भी पी जाकर बेचैन से हो जाता है। कहते भक्त अगर उनको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, हरी चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, उसको फिर बेचैन से होगा। अगर एक टाइम अगर रोटी नहीं मिलेगा, हाय रोटी दिन भर रोटी का मुँह नहीं मिलेगा, जब रोटी में इतना रस हो सकता है क्या भगवान के रस नहीं मिलता, भगवान के रस नहीं। इसलिए जैसे कि शराब ही शराब का समय आने पर विचार था, उसी तरह जो हरि कथा सुनते हैं अगर हरि कथा सुनने को नहीं मिले उसके अंदर विचार सा होगा, दिन दिन भर बिता गया, दिन भर भगवान की कथा ही सुनने को नहीं मिला है। इसलिए आसक्ति तक बढ़ा जाने और प्रीति तक बसत स्थले, जो प्रीति है कहाँ पर होता है, तक बसत स्थल जहाँ पर भगवान का धाम है, वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम, पूरी धाम, अच्छे चीज़ ले जाते हैं। कोई बोलते हर साल जाना पड़ेगा, कोई कहते ना हर साल जाएंगे, दिन में कितने बार खाते हो, शादी हो तो पहले तैयारी होते हैं, कोई इधर उधर काम ना पहले, अगर देखो कोई भगवान का धाम बोले हर साल जाना पड़ेगा, हर साल जाएंगे, क्या जरूरत है हर साल जाने का। हाँ इसलिए जिसका अंदर भक्ति की चस्का लगती है ना, हाँ चस्का तब भी पता चलता भैया धाम में क्या है, धाम में जाने पर क्या होता है, धाम में जाओ तो वो लीला स्थली है, वो साधारण नहीं, हमारा गाँव जैसे नहीं, वहाँ पर भगवान ने लीला की है, वो लीला से पूरा इसका जो धूल है ना वो साधारण हमारा गांव का धूल नहीं, वो तो भगवान की प्रेम से वो धूल रमा हुआ, वहाँ जाने से वहाँ का भूमि को स्पर्श करने से अपने आप हृदय में भक्ति की भावना बनती है। भक्तों का संग इतने भक्त दर्शन कीर्तन करने से क्या होता है, वहाँ पर जाने से अपने आप हृदय से भगवान की भक्ति अपने आप उमड़ पड़ती है। भक्त लोग क्यों जाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा नवद्वीप धाम परिक्रमा पर क्यों जाते, कारण क्या, कारण यही है, वहां जाने पर तुम्हारी भक्ति बढ़ोतर,
ये जो नौ लक्षण है ना सभी भक्तों का अंदर वो नौ चीज अपने आप देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं ये भाव है ना? इसका भाव अवस्था भी ये होता है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसा मत सिंधु ग्रंथ में सब चीज को उन्होंने वर्णना किया बहुत अच्छे तरह से। क्या भक्ति की समझ के बीच बीच में ग्रंथ पढ़नी चाहिए ना, भक्ति रसा मत सिंधु तो बड़ा ग्रंथ है, नहीं तो इतना बड़ा नहीं पढ़ सकते, भक्ति रसा मत सिंधु दिन गए थे एक छोटा ग्रंथ है, इसलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं बिंदु किरण कणा तीन निय वैष्णव पणा, मतलब क्या है, एक भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, एक उज्जवल निर्मल किरण किरण कणा और एक भागवत अमृत का, यदि जो तीन ग्रंथ है ना हमें पढ़नी चाहिए, जो ग्रंथ को पढ़नी चाहिए पढ़ोगे ये तीन निय वैष्णव पणा, वैष्णव पणा मतलब है तब भी हम वैष्णव कह सकते हैं नहीं, हम भक्ति करने वाले वैष्णव साधु हम वैष्णव है, इसलिए सब ग्रंथों को पढ़नी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और जो उज्ज्वल निर्भर जो उनका ग्रंथ है ना जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में सब भक्ति रस उसमें सांत दास वात्सल मधु, लेकिन उज्ज्वल निर्भर ऐसे ग्रंथ है जिसमें केवल जो श्रृंगार रस है भगवान को जो गोपी भाव से भक्ति करना चाहते हैं केवल वो ग्रंथ, किसी के लिए वो ग्रंथ नहीं, मना कर दिया ये ग्रंथ और कोई मत पढ़े, ये ग्रंथ केवल वही पढ़े, कौन पढ़े जिनको श्रृंगार रस में रुचि है, गोपियां राधा जी कैसे भक्ति करती थी, इसलिए वहां पर जो नायक का भेद नायिका का भेद सखी क्या होता है मंदिर क्या होता है और कितने तरह तरह के होते हैं कैसे सेवा करते हैं भावना कैसे है वो ग्रंथ में उसी विषय पर चर्चा कर उसी विषय पर चर्चा उसी ग्रंथ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं रूप सनातन ताहे आई लव जोरी कृष्ण दास कबीराज रसे र भंडारी जतने राखिल प्रेम हेम कुंभ भाई, इसमें उसका उदाहरण देते हैं हम उसका उदाहरण देते हैं कभी ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या किया है तो उन्होंने कृष्णदास कविराज को भी सर है बात मत करो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बार बताए इन्होंने क्या किया तो उन्होंने उदाहरण दिया है इनका नाम है कविराज कृष्णदास कविराज मतलब क्या कविराज नाम सुने हो कवि जो दवा देते हैं ना उनको कविराज कहते हैं उनको कविराज कहते हैं मतलब कवि में इसमें दो अर्थ है कविराज में दो अर्थ है पहला अर्थ है कविराज में कविराज जो दवा देते हैं कविराज है ना पहले पहले जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन वैसे होते थे उसको कहते थे कविराज कभी कविराज मतलब हम हमारे भी अंदर में बहुत बीमारी है किस चीज की बीमारी है रोग की बीमारी दूसरा रोग तो कोई बीमारी में क्या हो जाता है कोई बीमारी हुआ दवा दे दिया सही हो गया लेकिन हमें जो बीमारी पकड़ी ना ये ऐसे बीमारी एक जन्म का नहीं ये जन्म जन्मांतर में ये बीमारी लगी है ये जड़ से अगर ये बीमारी एक बीमारी सही हो जाए ना और सारे बीमारी हमारी सही हो जाएगी कौन सा बीमारी सही हो जाए हमने जो भगवान को भूले अब ये संसार में 84 लाख जन्म में हम जो भटक रहे हैं अगर ये बीमारी सही हो जाए तो सारी बीमारी सही हो जाएगी इसलिए इनका नाम है कबीराज मतलब वो ऐसे दवा देंगे हमें जो जड़ से हमारी बीमारी खत्म हो जाए अगर जड़ से बीमारी सही हो गई सारी बीमारी सही हो गई ये एक कबीराज है और दूसरा कबीराज मतलब होता है कबीर में जो राजा है इनको बताया कबीराज कविराज जो बताया कि जो चैतन्य चैतामृत ग्रंथ है उन्होंने लिखा है एक दिन प्रभुपाद सारे शिष्यों से प्रश्न करते हैं बोले बताओ तो अगर जगत से सारे ग्रंथ चले जाए अंदर ध्यान हो जाए ऐसे कौन एक ग्रंथ है जो एक ग्रंथ अगर जगत में रह जाए ना जितने सारे ग्रंथों का अभाव को वो एक ही ग्रंथ को पूरी करे कोई बता सकता हो हाथ उठाओ सब भक्तों ने हाथ उठाया फिर बताओ बोला ये वेद अगर ये वेद अगर रहेगा ना सारे ग्रंथ
और फिर तुम क्या बोलना चाहते हो? बोले श्रीमद भागवत, क्योंकि भागवत सारे शास्त्र का सारे वेद इतिहास नाम सार सार संबंधित है, सारे वेद इतिहास का जो सार सार ये श्रीमद भागवत। किसने कहा? नहीं नहीं भगवत गीता। बोले गीता क्यों कह रहे हो? बोले जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिर्सिता, ये साक्षात भगवान कृष्ण के मुंह से ये ग्रंथ निकला है, हैं? इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य, गीता रहते हुए दूसरा ग्रंथ का क्या कर जरूरत है जो स्वयं भगवान के मुंह से निकले, ये गीता। इसलिए सब भक्त सब अलग 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 बात होता है, लेकिन प्रभुपाद ने बोले नहीं, ये चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्यामृत अगर एक ग्रंथ रह गया ना, ये सारे ग्रंथ का अभाव यही ग्रंथ कर ले। समझो ये ग्रंथ कितने महत्व ग्रंथ है। कृष्ण उदाहरण दिया, कृष्ण दास कविराज रसर भंडारी, ये कौन है? ये रस का भंडारा ही भंडारी यही है। और जतन राखिल प्रेम हेम कुंभवरी, उदाहरण दिया उन्होंने, ये चैतन्य चैतन्यामृत ग्रंथ नहीं, ये रस है, रस पूरा रस। उन्होंने हेम कुंभ मतलब, हेम मतलब तो सोना, कुंभ मतलब होता है कलसी, हैं? सोने की एक कलसी में उन्होंने पूरा प्रेम को भर भर करके ठोस ठोस के रख दिया। बोले वो क्या है? चैतन्य चैतन्यामृतम, ये चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य रूप जो अमृत है इन्होंने इसी ग्रंथ में रख लिया, हैं? इसलिए गुरुदेव हमारे महाराज जी कहते थे इसमें पांच टपिक है, जैसे भागवत जो रासलीला में जैसे पूरा भागवत क्या है, भागवत भागवत कृष्ण स्वरूप है, हाँ कृष्ण स्वरूप ही भागवत है, लेकिन जैसे कृष्ण स्वरूप तो भागवत है, जैसे हम तुमको देख रहे हैं, क्या नाम आपका? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, ये अनिरुद्ध आप सही से पहचान होगा, इनका हाथ को देख करके हम नहीं पहचान सकते, उसको पैर को देख करके हम नहीं पहचानेंगे अनिरुद्ध, उनको छाती को देख कर नहीं बता सकते, किस चीज को देखकर पता चलता है अनिरुद्ध? मुख। किसी व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? मुंह को देखकर, मुंह देखने से अमुक व्यक्ति है, हैं? अगर सर काट दो, काट दो, उसका चेहरा को देखकर कोई नहीं पहचानेगा, हैं? केवल उसका मुंह देखकर के पहचानी जाएगी, भैया ये अनिरुद्ध प्रभु जी है, हैं? अनिरुद्ध। लेकिन ये सुखी ना दुखी कैसे पता चलेगा? यदि इनको अगर वो हंस रहे हैं, अगर अगर देखते हुए हंसते हुए खिलते हुए देखेंगे भैया आदमी खुश है, अगर मुंह लटका हुआ होगा मतलब भैया आदमी दुखी है, ये आदमी दुखी है, इसलिए उसका फेस से पता चल जाती है। फिर उसी तरह भागवत में बताया, जो भागवत का कृष्ण स्वरूप है लेकिन उसमें जो मूल क्या है, शरीर का मूल क्या है? शरीर का मूल सर है, मुंह है। फिर उसी तरह मुंह क्या कभी दशम स्कंध है, दशम स्कंध को बताया कि भगवान की मुखारविंद है, लेकिन उसमें हंसी क्या है? मुंह तो हो गया दशम स्कंध, हंसी क्या? इसमें इसमें रासलीला भगवान की, उसमें पांच अध्याय रास में, मतलब उसका नाम रास भी, रास मतलब रसानाम समूह, रस का केवल रस ही रहते उसमें। तो रस कब आता है जीवन में? तुम्हें रस कब मिलेगा? जब भगवान से मिलो, रस तभी आएगा ना, रस स्वरूप तो भगवान है, जब जीव भगवान से मिलता है तब जीव को वो रस प्राप्त होता है। रास क्या है? जब कोई जीव साधन करते करते गोपियों की भाव को प्राप्त करते हुए जब वो रास में प्रवेश करते हैं, रास में क्या होता है? कृष्ण के साथ में जीव का संपूर्ण विलीन होता है, संपूर्ण रूप में गोपियां सारे इंद्रियों से जहाँ कृष्ण सेवा करते वो रास है, हैं? रास है। इसलिए कहते उसी तरह जो जो पांच अध्याय ना, देखो क्या पांच अध्याय है, ये रास पंचायत है, ये प्राण है, उसी तरह गुरुदेव कहते चैतन्य चैतन्यामृत में उसका पांच टपी है जो पांच प्राण है, जैसे शरीर है, अगर प्राण नहीं तो शरीर का कोई महत्व है? कोई महत्व है नहीं, अगर प्राण है तो बढ़िया है, कहते उसमें पांच, गुरुदेव कहते पांच प्राण है, पांच पंचाध्याय चैतन्य चैतन्यामृत पांच टपी है, क्या क्या है बोलो? एक एक है, रूप शिक्षा, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, सनातन शिक्षा, राय रामानंद संवाद, राय रामानंद संवाद, कितने ही थे, हाँ जगन्नाथ रथ यात्रा, और एक क्या है? गुंडीचा मंदिर, हाँ,
और एक है महाप्रभु के साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य कभी जो पांच जो टपिक है ना कभी ये उसमें गुरुदेव कहते पांच प्राण है चेतन चेतन मतलब पांच जो टपिक बढ़िया टपिक है सबसे श्रेष्ठ है पांच टपिक और पांच टपिक को आपने पढ़ लिया ना समझो पूरा चैतन्य चरितामृत तो सारे ग्रंथ तुम्हारी हृदय में आ गई इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्णदास कविराज रसर भंडारी जतन राखी ल प्रेम नेम कुम बन उन्होंने रस का भंडारा भंडारी वो है और कविराज है कवियों में राजा है उन्होंने चैतन्य चरितामृत रूपी सोने की कलसी में रस को भर कर दिया इसलिए महाप्रभु दुनिया में तो दिए खुद सब कुछ दिए लेकिन उन्होंने अलग अलग भक्तों को द्वारा उन्होंने क्या किया अलग अलग चीज उन्होंने भक्तों को द्वारा अलग अलग चीज दिया है गुरुदेव एक प्रश्न पूछना था गुरुदेव हमें तो इतना मालूम नहीं है कुछ भी कुछ पढ़ा तो है नहीं जब आप भागवत सुनाते हो तो हमें लगता है भागवत पढ़ना चाहिए फिर अभी आप सुनाते हो कि रूप गोस्वामी जी कैसी शिक्षा कैसी कृपा इनके दो अद्भुत ग्रंथ तो सुन के ऐसा लगता है ये पढ़ना चाहिए फिर आप बोलते सनातन भागवत वो तो स्पष्ट जैसा कोई गलती नहीं है लगता वो पढ़ना ऐसी मुझे भी ऐसी लगेगी ऐसा करते करते गुरु कुछ भी नहीं पढ़ पाते मैं भी ऐसी इसलिए हमारे जितने ग्रंथ है ना जितने ग्रंथ है वो सारे ग्रंथ में लीक है भागवत कोई अलग नहीं चैतन्य चरितामृत कोई अलग नहीं बृहद भागवत कोई अलग नहीं अब एक ही ग्रंथ पढ़ो एक ही ग्रंथ में सारी कथा आ जाती है दूसरे कथा सारी कथा आ जाती है क्योंकि जो सारे ग्रंथ है हमारे गोस्वामी ने सारे ग्रंथ लिखा और मूल घर पे ही सबका मूल भक्ति है भगवान प्रेम के तो प्यार के सारे में एक ही चीज बात करता है और कोई चीज रहेगी ठीक है और कोई चीज रहेगी इसलिए मेरा कितना प्रेम आई है मेरे पढ़ा दो महाप्रभु को लाइन में आए आप किसी दूसरे की संप्रदाय में जाओ वैष्णव संप्रदाय में जाओ उनको एक आदमी कोई ग्रंथ मिल जाए लेकिन हमारे संप्रदाय महाराज कहते महाप्रभु जब आए ना पूरा निकुंज को उतार उतार दिया सारे मंजरी शक्तियों को लेकर आए दूसरे संप्रदाय में कोई एक ग्रंथ मिल जाए हमारे ग्रंथ की लाई नहीं तीन ग्रंथ उसी संप्रदाय इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करते हुए ग्रंथों को इधर उधर पर चर्चा नहीं करते हुए अपना गोस्वामी ग्रंथों में